चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक मक्खन बीन की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तेल मस्टर्ड ऑयल, मतलब जो तेल मैंने डाल चुका है इसमें थोड़ा सा, और ये बीन डालेंगे इसमें हम। दोस्तों आवाज़ आस्ते हो सकती है। आज हम बीन की रेसिपी, जो सब्जी बनाते हैं हम घर में, वो बनाएंगे, आप बना के दिखाएंगे आपको। जिन प्यारे भाइयों ने हमारा वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का जो बटन आता है, लिखा हुआ है ये, उसने नहीं किया है सब्सक्राइब का जो बटन है वो ज़रूर दबाना है। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना है आपने। और उसके साथ क्या होगा कि आपको जब हम कोई भी वीडियो बनाएंगे किसी भी मुख्य, तो आप तक वो वीडियो तुरंत पहुँच जाएगी, ऑल का ऑप्शन आएगा, आपने ज़रूर उस पर हिट करना है। पहले भाइयों अभी थोड़ा सा बचा हुआ मेरे पास, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, पर वीडियो बहुत थोड़ी लंबी होएगी, पर आपने देखनी पूरी है वीडियो, और साथ में आपने अपने शेयर भी कर लिया, आपको और कमेंट भी लिखना है आपने ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए, ऐसा होता है कि हमारे पास जो बीन होता है वो अगर हम डायरेक्ट उसको टमाटर में डालेंगे वो सख्त हो जाता है, फिर वो पकता नहीं ढंग से। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो बीन में कितने थोड़ी सी देर में कितना ये पक के सामने आएगा। अभी हम इसको ढक्कन लगाएंगे और हम करेंगे थोड़ी देर वेट। तो प्यारे भैया, अब इसमें सीटी बहुत जल्द आने वाली है और हम पूरा दिखा देंगे आपको किस तरीके से ये बीन की जो रेसिपी है आप तक हम पहुँचाएँगे इस वीडियोज़ के ज़रिए। तो आप देखते रहिए, अब कुछ ही देर में इसमें सीटी लगने वाली है, और आप वीडियोस को पूरा देखना। कह रहे सीटी लग गई है एक सीटी, तो अब हम थोड़ा हिलाएंगे इसको, क्योंकि इससे जो हमारे एक पाव बीन लाया हो मैंने, 250 ग्राम बीन की सब्जी है ये, राजमा भी बोल सकते, बीन भी बोलते, कहीं पर मक्खन बीन बोलते। इसे हिलाने से क्या होती है, लगेगा नहीं नीचे, और इससे क्या होता है कि पहले हम सीधे तेल में जाकर जो हम इसको दो सीटियां मारेंगे ये पकेगी, बहुत जल्दी पक जाएगी सब्जी। उसके बाद हम इसमें टमाटर और प्याज डालेंगे, मसाले वगैरह। आप देखते रहिए आगे तक, वीडियोस को आपने आधे में नहीं छोड़ना है, पूरा देखना है हमारे साथ। एक नई तरीके से, नई डिज़ाइन से मैं आपको रेसिपी बना के दिखाऊँगा, क्योंकि लगभग दो सीटी आ चुकी है इसमें, और अब खोलेंगे हम, और क्योंकि जलना भी नहीं चाहिए ये, आप बने रहिए वीडियो। चलिए दोस्तों, ये खुल गया है ढक्कन, ये लगभग पक चुका है जी, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, जितना आप खाते हैं उतना, और ये इस टाइम पक चुका है। अब इसे बहुत ही लजीज मजा आता है जब एक बार पक जाती है ढंग से, इसके अंदर नमक मिल जाता है। ठीक है, एक आदमी के लिए रेसिपी बनाई हुई है बीन की। तो अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज और टमाटर, जो आपके स्क्रीन पे, जो मोबाइल के स्क्रीन पे इस टाइम चल रही है। प्याज को फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जैसे जीरा वगैरह तड़का वो हम बाद में सब कुछ डालेंगे, ऐसे ही पीस के पाउडर डालेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, फिर से इसमें एक सीटी लगेगी। अब प्याज और टमाटर को पकने के लिए और सीटी मार दीजिए। चलिए हम वेट करते हैं। तो दोस्तों सीटी लग चुकी है, टमाटर और जो हमने प्याज इसमें ऐड किया है, तो उसके बाद एक सीटी और लग चुकी है। तो मैं एक सीटी का और वेट करूँगा, और उसके बाद इसमें हम नमक और हल्दी वगैरह डालेंगे। और आपने पूरी वीडियोस देखो और फिर जाकर इसी तरीके की रेसिपी बन सकती है, आपसे भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि इसमें आपको ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा खाने में। और बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों को जैसे सब्जियाँ सख्त होती है वो खाई नहीं जाती है, उनकी उनके दांत कमज़ोर होते हैं। तो इस तरीके से आप पहले सब्जी को पकाओ तेल में ढंग से, तो उसके बाद आप खा सकते हो उस सब्जी को, वो बुज़ुर्ग भी सब बंदे हैं। ये
अगर आप टमाटर पहले डालेंगे उससे टमाटर से क्या होगा कि सख्त हो जाती सब्जी, तो इसलिए टमाटर बाद में डाला करो। चलो एक और सीटी लगने वाली है, लग रही है तो सीटी हिल रही है अभी। वीडियो थोड़ा प्यारे भाइयों लंबी हो जाएगी, पर आपने वीडियो पूरी देखनी है और साथ में जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी करनी है अपने ग्रुपों में, क्योंकि दो चार देख लीजिए। चलिए दोस्तों एक बार और इसका जो हम ढक्कन खोलेंगे, देखेंगे इसका अंदर का कितना ये पक चुका है हमारी जो सब्जी रेसिपी बीन की। ये देखिए दोस्तों पैर भाई पानी टमाटर ने छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा देखिए जी, ये देखिए जी मतलब खत्म, मतलब टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, देखिए गल चुका है। प्याज भी देखिए, ये देखिए जी आप देख सकते हैं, मैं गर्म है थोड़ा हाथ से दिखा सकता हूँ आपको। देखिए ये देखिए जी बिल्कुल टमाटर गल चुका है, तो हमारी जो बीन है ये देखिए बीन, ये देखिए जी गर्म है थोड़ा, ये देखिए जी बीन भी बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए जी तो अगर आप पहले टमाटर डालेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो बीन है बहुत सख्त रहेगा, जो सब्जी वो बहुत सख्त हो जाती है, वो पकती नहीं, बहुत टाइम लेती है और कच्ची जैसी रहती है। और हम कुछ लोग तो खाना पसंद करते हैं उस तरह की सब्जी, पर मैं नहीं करता कच्ची सब्जी, इसलिए आज मैंने आपको ये दिखाया कि जल्द से जल्द जो सब्जी आपकी रेसिपी आपको पक जाए वो आपको दिखाएंगे। हल्दी डाल दी हमने, अब थोड़ा सा देगी मिर्च डालते थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल दी, और अब थोड़ा सा तेज़ मिर्च डालते तेज़ मिर्च भी डाल दी। नमक मैंने पहले डाला था, बाकी कोई मसाले नहीं डालते जी हम। अब इसको थोड़ा रेड़ेंगे और सब्जी तैयार। आप इसको सब्जी रेडी, ये देखिए जी बहुत मस्त सब्जी है जी। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसलिए कि हल्दी जो है ये गल जाए इसमें, बस इतना सा पानी डालना जी, आधा कप सर पानी डालना, पर मेरे पास मैंने ऐसे अंदाजे से डाला तो मेरा, हो सके तो साबुत लाल मिर्च डाल देना उससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए दोस्तों सब्जी का कलर कितना प्यारा है, ये देखिए टमाटर गल चुका, हर एक चीज गल चुका है। तो हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद रखेंगे, किस लिए कि हल्दी का जो है स्मेल वगैरह वो निकल जाए और नमक वगैरह घुल जाए। तो वीडियो अपने एंड तक देख ली, जिससे प्यारे भाई ने अपने वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, साथ में आपने सब्सक्राइब। तो दोस्तों 2-4 मिनट हो चुके हैं और सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और आप भी खा सकते हैं ऐसी सब्जी बना के घर पे। चले दोस्तों भाई, हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और रेसिपी में आपके साथ ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए।